हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़े थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो नाउन था और नाउन की परिभाषा थी, नाउन के प्रकार था, प्रोनाउन था, प्रोनाउन के प्रकार थे। आज हम सभी लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो अगली कड़ी या अगला हिस्सा है वो वर्ब है। आज हम सभी लोग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब क्या है? What is a verb? Any words that denote an action in verb, hence verb is also called doing verb. कहने का मतलब कि जो verb होती है वह क्या होती है? Action of subject, action of subject, कर्ता के द्वारा किया गया कार्य। अगर मैं कहूँ कि राम लॉफ, राम क्या कर रहा है? राम हंस रहा है। तो राम के द्वारा कौन सी क्रिया की जा रही है? हंसने की क्रिया हो रही है। राम के द्वारा हंसने की क्रिया हो रही है। राम इस सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट है। लेकिन जो लॉफ है वो क्या है? ये वर्ब है। राम के द्वारा एक जो काम किया जा रहा है वो हंसने का काम हो रहा है, इसलिए इस सेंटेंस में राम सब्जेक्ट है और लाभ क्या है? वर्ब है। वर्ब कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो मेन वर्ब है। पहला कौन सा है? मेन वर्ब। कौन सा है? मेन वर्ब। दूसरा क्या है? हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब किसे कहते हैं? द वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एन एक्ट और ऑकरेंस। अ मेन वर्ब इज समटाइम्स प्रीसीडेड बाय एन ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, एक एग्जांपल लिख रहा हूं। राम इज गोइंग टू द मार्केट। राम कहां जा रहा है? बाजार जा रहा है। राम क्या है? राम क्या है? सब्जेक्ट। इस क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन गोइंग इस सेंटेंस में क्या है? मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब को भैया बहन प्रिंसिपल वर्ब के भी नाम से जानते हैं। मेन वर्ब जो है ये दो प्रकार की होती है। मेन वर्ब जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। पहला जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरा क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब है जो अपने सब्जेक्ट के साथ मिलकर सेंटेंस का अर्थ पूरा नहीं देता है, बल्कि अपने अर्थ को पूरा करने के लिए उसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे है, ही सोल्ड अ हाउस। ही सोल्ड अ हाउस। ही सोल्ड अ हाउस। अब इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? वो क्या है? वह इस सेंटेंस में हमको ऑब्जेक्ट जो है वह ज्ञात नहीं है। ठीक है, इसीलिए इस सेंटेंस में इसको हम क्या बोलेंगे? ऐसी वर्ब को क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, ट्रांजिटिव वर्ब में एक बात और छूट रही थी। ट्रांजिटिव वर्ब को अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हो तब वह ट्रांजिटिव वर्ब होती है। और ऐसी वर्ब में क्या या किसको का प्रश्न करने पर जो उत्तर में मिले वह उन क्रियाओं के ऑब्जेक्ट होते हैं, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं।
इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब वे वर्ब होती है जिनके कार्य का प्रभाव उसके सब्जेक्ट तक ही सीमित रहता है, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। इंट्रांजिटिव अगर दूसरे शब्द में कहें कि ये ऐसी वर्ब है जो अपने सब्जेक्ट के साथ मिलकर अर्थ पूरा कर देते हैं और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे जैसे शालिनी लॉफ, शालिनी लाफ, शालिनी क्या करती है, हंसती, शालिनी हंसती है। अगर कहें क्या इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हो रही, कहीं आपको दिखाई दे रहा है, नहीं है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यह कहा जा सकता है कि यदि वर्ब में क्या या किसको लगाने पर उत्तर में कुछ न मिले तब वह इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। जैसे इस सेंटेंस में हमने बताया शिवानी हंस रही है, तो शिवानी हंसती है, क्या हंसती है, उत्तर नहीं मिला। इससे या इस सेंटेंस से यह प्रकट हो रहा है कि यह जो सेंटेंस है वह किस प्रकार का है, इंट्रांजिटिव वर्ब। आगे चलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की होती है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, इसे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जा सकता है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो है ये डू, यहां लिख देता हूं आप समझ लीजिए, डू, डस, डिड, हैज, हैव, हैड, is, am, are, was, were। ये आप देखिए जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है कितनी है, नंबर्स ऑफ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब ये कुल 11 होती है, कुल 11 है, कितनी है, 11 है। और मॉडल वर्ब जो है, ये जो मॉडल वर्ब है ये एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब जिसे कहते हैं, इसकी संख्या जो है वो 13 है, कुल 13 है, कुल मिलाकर के पूरे जीवन भर, पूरे जीवन भर हम सभी लोगों को 24 हेल्पिंग्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, बहुत सारी ऐसी वर्ब पिछली कक्षा में, कक्षा 8th में आप सभी लोग पढ़े होंगे। लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और फ्रेजल वर्ब, ये फ्रेजल वर्ब है, ये सभी चीजों के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ाया जा चुका होगा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इसको जानते भी होंगे, यदि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप विभिन्न दूर संचार के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करिए। अगला जो वीडियो होगा मेरा, आगे जो अगला जो वीडियो आएगा पार्ट साहब इस स्पीच का, वो है आगे जो है एडवर्ब के बारे में हम सभी लोग पढ़ेंगे।